स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज शिवशंकर सैनी. देखिए, आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी पीरियडिक क्लासिफिकेशन पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमको एटॉमिक थ्योरी, यानी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जो जिन्होंने एटम को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जिसमें हमारे इंडिया में भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं. ठीक है, कुछ महर्षि हुए हैं, जैसे कि महर्षि कणाद है. ठीक है, तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बताया. उन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को परमाणु कहा था. क्या कहा था? परमाणु. क्या हो जाएगा? देखो, इसमें एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, क्या हो जाएगा? एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, महर्षि कणाद नाम है महर्षि कणाद. टोल्ड दैट ऑन फर्दर डिवीजन, ऑन फर्दर डिवीजन ऑफ मैटर, इंटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? जब हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में किसी मैटर को तोड़ते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम वर ऑब्टेंड एट द एंड, यानी एंड में एटम ऑब्टेंड हुआ. जब हम किसी मैटर को डिवीजन करते हैं, उसका तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के रूप में हमको ऑब्टेन होता है. ठीक है, इसी के साथ पकुबा काव्यम, वन अनोदर इंडियन फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर पकुबा काव्यम. पकुगा काव्यम टोल्ड दैट डिफरेंट फॉर्म different form of matter were obtained
वर ऑब्टेंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पार्टिकल, दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, यानी इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम आपस में कंबाइन करते थे तो एक अलग फॉर्म बन जाती मैटर, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस Democrats and Leucippus called these individual particles एज एटम्स, उसने इनको एटम नाम दिया। देखो महर्षि कणाद ने उनको परमाणु नाम दिया था, क्या नाम दिया था, परमाणु, पी ए आर एम ए एन यू, परमाणु नाम दिया था महर्षि कणाद ने, और इनको फिर एटम नाम दिया डेमोक्रेटस और ल्यूसी। एटम किस वर्ड से बना है वो देखो, एटम वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो, एटम ग्रीक वर्ड एटोमियो से मिलके बना है, विच मीन्स इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी जिसको तोड़ ना सके, ठीक है। अब आती है थ्योरीज, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए एक बार। और नेक्स्ट टॉपिक है एटम थ्योरी ऑफ डाल्टन, डाल्टन की एटम थ्योरी। तो क्या हो गया इसमें, ये थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने, क्या हो जाएगा इसमें, जॉन डाल्टन प्रपोज्ड ए थ्योरी, टू एक्सप्लेन दी एटम, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने थ्योरी दी इन 1808, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया, दिस एटम थ्योरी वाज ऑन द बेसिस, दिस एटमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ, इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन पे बेस्ड है ये। इसका मतलब है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, दोनों का मास इक्वल रहता है रिएक्शन में,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनता है, ठीक है। इसके मेन जो फैक्ट थे इस थ्योरी के, इट्स मेन फैक्ट्स, इट्स मेन फैक्ट्स आर एज फॉलोज। इसके जो मेन फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, सबसे पहला उन्होंने क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कोई भी एटम जो बनता है वो, सॉरी कोई भी जो मैटर बनता है वो किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलके बनता है। और क्या बताया उन्होंने? एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मतलब है कि हम एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम खुद एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर, आर सिमिलर इन एटमिक वेट, एटमिक वेट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड साइज। मतलब ये है कि एक सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सब एटमिक वेट में, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में और साइज में सेम होते हैं। नंबर फोर, एटम्स ऑफ डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन एटमिक वेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड साइज, डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो सब डिफरेंट होते हैं एटमिक साइज में, वेट में, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट नंबर फाइव, नंबर फाइव बताया उन्होंने ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, नंबर फाइव क्या बताया? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर ओनली रीअरेंज्ड, एटम्स आर ओनली रीअरेंज, कि एटम्स ओनली रीअरेंज होते हैं, बाकी उनका जो एटमिक वेट होता है, उनका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, उनका जो पूरा मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो सेम होता है, ठीक है। तो ये थी डाल्टन की थ्योरी, ठीक है। इसने तो ओनली थ्योरी बताई है, इसने स्ट्रक्चर नहीं समझाया, इसने डाल्टन ने ओनली थ्योरी दी है। ये डाल्टन थ्योरी थी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।